होप यू आर वेल, दिस इज मी अलीना जुनैद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको जो मैंने व्लॉग डाले हुए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, और आज का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आपको ज़रूर व्लॉग पूरा देखना है एंड तक। और लेकिन उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये व्लॉग जो आज डालूंगी मैं, आपको मैंने बोला था कि मैं इस होटल का पूरा टूर कराऊंगी, आपको सब कुछ दिखाऊंगी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जूसेस और जो सब स्नैक्स, पूरा होटल दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी देख सके कि कितना खूबसूरत होटल है। सो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे इतना एक एक टाइम जो होता है यहाँ का वो इतना खूबसूरत होता है, इतना इंजॉय मैं करती हूँ हर टाइम को, चाहे वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो, चाहे वो लंच का टाइम हो, चाहे वो डिनर का टाइम हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो देखें और आप भी मेरे साथ शामिल हों। और यहाँ की सर्विस, यहाँ के स्टाफ इतने नाइस हैं, आप जो भी उनसे पूछो आपको हर चीज़ तरीके से बताएंगे, जो मांगो वो आपको तरीके से देंगे। मैं जब तक आपको ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं, आप लोग को यकीन भी नहीं आएगा, तो आप लोग पैसे भी पीछे से मेरा आप बोल देख सकते हैं, लग रहा है असल तो लग भी नहीं रहा है कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो अभी तो मैं पूरा होटल का टूर बाकी है, तो चलते अभी ब्रेकफास्ट दिखाते हैं और आप देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। और रोज़ाना ब्रेकफास्ट भी चेंज होता रहता है और लंच भी रोज़ाना चेंज होता रहता है और डिनर भी चेंज होता रहता है, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट में क्या है चलो देखते हैं। लेट्स गो। ब्रेकफास्ट दिखाने से पहले आप लोग पहले एक बार यहाँ के रूम्स देख लें कि रूम यहाँ पे कैसे होते हैं। और ये है इनका टॉयलेट, बहुत क्लीन रूम भी, वेरी क्लीन, बहुत बड़ा रूम है। शीशा भी देखें आप, कितना मिरर इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। और ये बालकनी भी दी हुई है, आप यहाँ बैठ के आराम से आपने जो भी जूसेस, अपने चाय, कॉफ़ी जो भी पीना है, आप आराम से इस व्यू के साथ आप अपना इन्जॉय कर सकते हैं टाइम। और हम लोग ने काफ़ी किया है, हम लोग यहाँ पर ला के बैठ के आराम से इन्जॉय करते थे, बातें करते थे। रूम से निकलने के बाद ये इन्होंने ये यहाँ की लोबी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे रूम्स बने हुए हैं। अब हम लोग जाहिर है लिफ्ट में जाएंगे जहाँ ब्रेकफास्ट की जगह है, तो अब वहाँ जाके दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पर है ये ब्रेकफास्ट की जगह, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने शॉप्स भी दी हुई हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर जो होटल के अंदर जो चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली महंगी होती हैं, लेकिन इन्होंने हर चीज़ जो है होटल के अंदर दी हुई है, सारे कपड़ों की शॉप, टॉयज़ और बैग्स, हैंडबैग्स, सबकी शॉप्स हैं यहाँ पर। और इसी के बिल्कुल सामने जो है इन्होंने रेस्टोरेंट दिया हुआ है जहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर होता है। तो आइए आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं।
और अब बस आप जहाँ मैं जा रही हूँ वो देखें आप, बस यहाँ पे जो लंच और डिनर में मीठा होता है आप ये देखें कितनी चीज़ें हैं और कितनी प्यारी लग रही है देखने में। एक इंसान का समझ नहीं आया क्या क्या खाए। ऑनेस्टली जब मैं जाती थी मुझे समझ नहीं आता था मैं ये फ्रेश फ्रूट इन्होंने रखे हुए हैं, तो मैं मीठा लेने के लिए जाती थी मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या उठाऊँ क्योंकि सब कुछ ही तो इतना अच्छा लगता था। तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर आपको दिखा दिया है। अब ये जो जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ ये रास्ता जाता है बीच की तरफ और ये हमारे होटल के अंदर से ही निकलता है। आपने देखा होगा जो मैंने दिखाया था वो जो पूल एरिया है वहाँ पे उसी के अंदर से ये इन्होंने ऐसे टनल टाइप का बनाया हुआ है और फिर हम लोग इसके अंदर से जाते ही हम लोग बीच पहुँच जाते हैं। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
इन कर सकते हैं या ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना सुख हो गया है क्या है आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं कर सकते हैं खा पी सकते हैं बैठ के और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है इस वीडियो में दिखाया है। और जो मैंने आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर दिखाया वो तो है ही, लेकिन जिस तरह आपको सामने ये पूल नजर आ रहा है मेरे सामने, इसके सामने भी बार बना हुआ है, वहाँ पर आपको फ्री ड्रिंक्स कॉफी मोका हॉट चॉकलेट और मोहितोस और ना इसके बराबर में भी आपको बर्गर्स अनियन रिंग्स और पता नहीं क्या क्या ये फ्री है। आप क्योंकि ज़ाहिर जब आप पूल में इंजॉय कर रहे होते हो तो आपको फिर भूख लग जाती है दोबारा, तो आप वो भी जाके ड्रिंक्स ले सकते हो। तो यहाँ पर ये भी और यही सिर्फ नहीं, वो आपको सामने उससे पीछे बीच नज़र आ रहा होगा वहाँ पर भी इन्होंने यही सब वहाँ पर भी दिया हुआ है, ड्रिंक्स मोहितोस और यही बर्गर्स और ये स्नैक्स जो होते हैं ना वो सब दिए हुए हैं, ताकि लोग जो है जहाँ पर भी बैठे हुए हैं वो हर चीज़ को एंजॉय कर सकें। आप अभी भी देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये असल, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये असल मैं यहाँ पर हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आगे मैं और भी ब्लॉग डालूंगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।